मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं मेरी इतनी हो रही है, मैं बताना मेरे को 10 पेशेंट में जा रहा हूँ, मैं फांसी भी खा सकता हूँ, तो मेरे ऊपर इतना दबाव हो रहा है, मैं फांसी भी खा सकता हूँ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं भादरगढ़ क्षेत्र के अंदर बैठा हूँ, जहाँ आप लोग सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कोई औरत अगर जोर से बोल दे क्या वो बात सच हो जाएगी, कोई आदमी खामोश रह जाए तो क्या वो गुनाहगार हो जाएगा। यहाँ हर समय एलिगेशन आदमी के ऊपर होता है, क्या हमेशा आदमी गलत होता है? क्या वो कानून एक तरफा खाली महिला के लिए होता है? क्या उस कानून में हिस्सेदारी आदमी की नहीं होती? यहाँ ऐसा ही केस सामने आया है, जो शादी के मात्र 6 दिन बाद में एक शादी का जो रूप बना था उसकी शादी समारोह को सारा तहस नहस हो के और बर्बादी हो गई है। हमारे साथ में वो शख्स बैठे हैं जिनके ऊपर ये दुख बीता ही नहीं, आज भी उसी दुख को झेल रहे हैं, काट रहे हैं, और अपना दुख है ये खुद बताएंगे अपनी पहचान तो और भी बेहतर होगा। तो इनका परिचय इन्हीं से लेंगे और इनके दुख को आपके साथ में शेयर करेंगे, पूछेंगे, आप तक साझा करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार आपको भी। अपना शुभ नाम क्या है सर? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी 2020 में 13 मार्च को शादी हुई थी। 13 मार्च 2020। हाँ जी। और आपके पास में आपकी बीबी कितना समय रही? हमारे पास मान ले 6 दिन, मान लो 19 तारीख को चली गई थी। 13 को शादी हुई, 19 को चली गई, तो 5 दिन, 6 दिन तो चली गई। हाँ जी जी जी। इतकम तो आपने शादी करी जब? हाँ। तब उनको ये सिचुएशन सारी पता था? हाँ, उसको देखने के लिए आए थे, मैंने साफ बोल दिया था। उसका मामा था और उसका पापा था, और एक और आदमी था। तीन आदमी देव देखने के लिए आए, जब मैंने बोल दिया भाई जॉब मेरी सरकारी है, कहीं भी तसल्ली कर लो, ठीक है, और मेरे को दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, आपको पसंद हो तो बोलो। उन्होंने बोला भाई ठीक है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला ना कोई, मैंने बोला भी मैं ब्लाइंड कोटे से लगा हूँ, गवर्नमेंट भी उसी कोटे से लगा हूँ, झूठ बोल के मैंने क्या करना है। जी जी जी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं 2 बहन हैं। और शादी कहाँ पर हुई थी आपकी? शादी हमारी गांव में हुई थी। और बीबी का क्या नाम था आपकी का? परमिला। परमिला, परमिला। शादी यहाँ दिल्ली में हुई, हरियाणा में हुई आपकी? हमारी दिल्ली में वही शादी। कौन सी जगह पे? उनके जो मान लें यहाँ से गांव से परात ले गए थे, उनके गांव में पूठे शादी मेरी गांव में हुई है, पूठे कंजावले के पास। हाँ। वो लड़की कितनी पढ़ी थी प्रमिला? लड़की एमए करी हुई है। आप शादी से पहले जो प्रमिला आपकी बीबी थी उससे मिले थे? नहीं, मैं नहीं मिला, तो घर क्या ने देखा था, अभी घर क्या ने जो भी वो बात देख के आए थे, उन्होंने भैया दिया था, लड़का भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, जैसा भी रंग मिलता है वैसा भी, लड़के का भी रंग ऐसा है, लड़की का भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। मेन जो पर्पज़ जो है, आप मीडिया न तो खुदा है, न कानून है, न कोर्ट है, न प्रशासन है, जो मीडिया को बुलवा के आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहोगे? मैं तो मीडिया को ये बताना चाहता हूँ, जो भी किसी भी साथ इंसान के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने ना तो कोई दहेज मांगा, ना मैंने कोई मांगा, मैंने देख इतना बोला था भाई लड़की वाले को, भाई एक सूट में भेज दो, जो भी होगा अपनी तरफ से हम खुद करेंगे। उनने बोला था भाई नहीं, हम तो शादी करेंगे। शादी करने के बाद ही उनको लालच आ रहा है, वो 8 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से दे दूँ, मेरी जितनी छोटी सी जॉब है उसमें तो मेरा गुजारा नहीं होता, मैं कहाँ से पैसे दूंगा उनको। 8 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। हाँ जी। और आपका कोर्ट में केस हो गया? हाँ जी, कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी कोर्ट में भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, ठीक है, लड़की की सुनी जा रही है, ठीक है। मेरा मान लेते 14,000 रुपये तो मेरा लोन चल रहा है, कोर्ट ने भी मेरे को 2-3 तारीख लगी थी, उन्होंने कोर्ट में भी खर्चे का ऑर्डर कर दिए। कहाँ से दूंगा मैं 9,000 रुपये, मैं कहाँ से दूंगा 9,000 रुपये खर्चा बन रहा है? हाँ, 9,000 रुपये ऑर्डर कर दिए खर्चे के भी, आपकी जॉब को देख के। हाँ, जॉब को देख के कोर्ट को ये तो मालूम होगा जी ये ब्लाइंड है। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट दे रखे कोर्ट में, ब्लाइंड के सारे प्रूफ जो भी है, ब्लाइंड का मैंने लगा रखा है कोर्ट में, सब पता भी, ब्लाइंड मैं छड़ी लेके जा रहा हूँ तो कोर्ट में उसको पता नहीं भाई ब्लाइंड लड़का है, मैं देख टक भी नहीं चल पाता। आपके घर में कौन कौन है? और घर में
भाई है, भाभी है और भाई पिताजी है। आज अगर ये वीडियो मतलब आपकी बीबी यहाँ आई है, 6 दिन आपके पास रही है, हाँ। तो 6 दिन में तो ये भी नहीं होता कोई भाई बाप माँ बाप परेशान करने वाली बात है। और यहाँ के क्या गई थी जब यहाँ से गई है, मैं आऊँगी नहीं आऊँगी, क्या परेशानी? मैं यहाँ से राजी खुशी गई थी, हमने नहीं पता क्यों क्या दिक्कत है, यहाँ से राजी खुशी गई थी। 20,000 रुपया मैंने उसको फ़ोन दिया था, 20,000 में वही फ़ोन ले जाए, फ़ोन बोले उन्होंने मना कर दिया था उसने रखने के लिए, वहाँ भी फिर भी कोई दिक्कत हो। फिर मैंने अगले दिन मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उसकी बहन ने उठाया, बोला भाई माँ भी बात करवा दो एक बार, क्या दिक्कत है? बोला भाई वो बात नहीं करना चाह रही, और उसको कोई पेट में दर्द है, क्या दिक्कत है पता नहीं आपने क्या किया? माँ जी माँ एक बार बात तो करवा दो कम से कम, भाई दिक्कत तो पता चले भाई। आप कहोगे तो भाई मैं रात को भी मैं आ सकता हूँ, कभी भी आप बुलाओगे तो मैं आ सकता हूँ। मैंने बोला उनने बात नहीं करवाई, उस दिन के बाद में आपसे बात भी नहीं हुई? उसके दिन मेरे को फ़ोन किया मैंने, फिर उसके भाई ने फ़ोन उठाया, उसके भाई ने बोला भी मेडिकल में है, मेडिकल में। मैं बोला भी मेडिकल में तो मेरे को मनु बताओ कौन से मेडिकल में, मैं आधी रात को भी कहूँगी मैं आधी रात को भी आ जाऊँगा। बोला नहीं, बोला कोई आने की जरूरत नहीं, बोला अपने हम संभाल लेंगे। मैं भी बता दे क्या दिक्कत भी क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आने के लिए हम आ जाएंगे। उन्होंने झूठ बोला, लड़की घर पे थी, बता रहे हॉस्पिटल में, लड़की बता रहे हॉस्पिटल में है, वो लड़की घर पे थी। तो आपसे बात हुई, यहाँ से जाने के बाद बात भी नहीं हुई? नहीं, यहाँ से जाने की बात नहीं हुई। तो वो सीधा मतलब कोर्ट में खड़े हुए हैं? हाँ, उन दो दिन में पंचायत लेकर आए हैं हमारे गांव में, ठीक है। हमने बोला भाई ठीक है भाई, बताओ क्या करना क्या नहीं करना। बोला भाई लड़की नहीं आना चाहती, लड़की मैं किस मई कारण तो बता दो कम से कम, मुझे बताओ अभी, वजह बता दो, वजह भी नहीं बताई। फिर उन्होंने बोला भाई हम तो आप फैसला करना चाहते हैं, भाई फैसले का बता दो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने 8 लाख रुपये मांगे, भैया हमने सोचा भी पंचायत ने भी जो भी बोला भी थारा सामान है ठीक है, आप 2 लाख रुपये ले लो और अपना सामान उठा ले जाओ। 2 लाख में भी नहीं माने, मैं इतने पैसे कहाँ से दे दूंगा, जो मैंने भी इतने शादी में लगाए हैं, वो भी ब्याज पर लेकर लगाए, मैं कहाँ से इतने दे दूंगा 8 लाख रुपये? एक सोचने की बात है। शादी में लागत उनकी है, शादी लागत तो आपकी भी होगी, हमारी भी लागत है। वो सामान कितना गिलाए थे जो 8 लाख रुपये मांग रहे थे? सामान क्या है, वो सामान वही घर का जो बेड और होता है, जो कूलर वगैरह फ्रिज वगैरह होता है, और क्या है, बेड कूलर अलमारी वॉशिंग मशीन, हाँ ये है, होता है जो घर का सामान है, और क्या है। अभी ये वीडियो आपकी परमिला अभी तक कोर्ट केस चल रहा है, कोई डाइवोर्स नहीं, आप की बोलेंगे उसको, आपकी बीबी परमिला आपके वीडियो देख रही है, वीडियो जरिए आपको देख रही है, क्या बोलोगे उनको? मैं तो ये बोलूँगा भैया अपने बताना मेरे ऊपर झूठा केस किस बात का लगाया है, ठीक है। अरे झूठा केस लगाया तो मेरे को साबित करके दिखा भी, क्योंकि भाई मैंने कुछ आपसे मांगा हो, कुछ मार पीट करी हो, अब मेरे ऊपर इतना भी लगा रही भैया आपने गाड़ी मांगी, मैं गाड़ियाँ क्या करूँगा, मैं जब गाड़ी मान ले मैं नहीं चला सकता, मैं गाड़ी के मेरी गाड़ी किस काम की है? अच्छा आपके ऊपर गाड़ी का आरोप लगाया? हाँ गाड़ी का आरोप लगा रहा है, गाड़ी मेरे किस बात की? दहेज का केस भी हो गया और खर्चे का भी हो गया, खर्चे का भी हो गया, गाड़ी मेरे मतलब 10-12 हज़ार रुपये मैं किस बात के दूंगा, जब मेरे लिए बस वगैरह भरी है तो मैं क्यों गाड़ी के दूंगा अभी पैसे? ड्राइवर मेरे को ड्राइवर चाहिए, 10-12 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे जो मैं गाड़ी चला नहीं सकता? हाँ मैं चला नहीं सकता। अभी अगर कल को कोर्ट में जाकर आपका कंप्रोमाइज हो जाए, देखो न तो जनता चाहती न मीडिया, लास्ट तक हमारी न्यायपालिका भी यही चाहती है इनका घर बसा रहे। अगर कल को कोर्ट में कंप्रोमाइज होता है तो आप घर बसाने लिए तैयार हो? हाँ मैं तो लेने के लिए राजी हूँ, जब आप आ जाए, कल आ जाए, कभी भी आ जाए, मैं तो राजी हूँ लेने के लिए, मैंने आज तक मना नहीं करा है, जो भी उसको सुविधा मिले सारी सुविधा दूंगा। मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से जो अभी है वो कोई प्रशासन से भी सिखवा आपको क्या, पुलिस से भी सिखवा आपको कोई? पुलिस तो नहीं, मैंने तो कोर्ट से है, कोर्ट ने मेरी एक भी नहीं सुनी। कोर्ट में मैंने बोला भी मैं ब्लाइंड हूँ, स्त्री मेरे दिक्कत में ले जाना चाहता हूँ, जज ने तो इतना बोला भाई, मैंने एक दिन का टाइम मांगा, मेरे को एक दिन का भी टाइम नहीं दिया जज ने। हाँ बताओ, ब्लाइंड आदमी मैंने बोला भी एक दिन का टाइम दे दो जी, बोला जी मैं तो सीधे, बोला जज ने बोला मैं तो सीधे ऑर्डर करूँगा खर्चे के, आप केस दर्ज करो, मैं किसके पास जाऊँ? मैंने तो ये मीडिया का सारा लेना पड़ेगा जी। हाँ जी मैं मेरी सुनाई नहीं हो रही कहीं भी, नहीं कहीं भी नहीं हो रही, मेरी कोर्ट के अंदर नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही, मैं कहाँ जाऊँगा? आपको ये तो मानते होंगे हमारे देश में संविधान कानून सबसे बड़ी चीज है? हाँ मानते हैं, सबसे बड़ी चीज है कानून, और कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, सब हम अपने न्यायपालिका को अपने कानून को अपने संविधान को सलूट करते हैं, टोटली जनता जनार्दन जो है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में से हो,
पुलिस हो, डिफेंस हो, कोई भी हो, तमाम जनता जो है सल्यूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समान जो कानून जो होती है बराबर का कानून होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं भी एक आदमी को दबा दे, एक को कर दे, वो नहीं होना चाहिए कानून। भाई सजा, मैं दोषी हूँ तो जब मेरे को सजा दे दूँ, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मेरे तो इतनी हो रही है, मैं बताना, मेरे को 10 पेज में जा रहा हूँ, मैं फांसी भी खा सकता हूँ। तो मेरे ऊपर इतना दबाव हो रहा है, मैं फांसी भी खा सकता हूँ। मैं इतना दुखी हो चुका हूँ इस शादी से। और कोई संभालने वाला कोई नहीं आपको? कोई संभालने वाला नहीं है। आज रात के 9 बजने वाले हैं अभी, और यहाँ इनके लगभग 4-5 दिन से फोन आ रहे हैं आपके, 5-6 दिन से। हाँ, फोन बन गया था, 5-6 दिन तक गया फोन आपके पास, और आने का समय नहीं लग रहा। और आज अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, यहाँ बैठे हैं, सर्दी का समय है और घर में बिल्कुल अकेले हैं ये, और ये भी ब्लाइंड। आज हर समय आदमी ही दोषी ठहराया जाता है। क्या ये ब्लाइंड है, आँखों से कम दिखता है इनको, और रोड क्रॉस करने में भी समर्थ नहीं है। क्या ये गाड़ी मांग सकते हैं? अगर गाड़ी मिल भी गई तो ये चला नहीं सकते, और ड्राइवर रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, तो ऐसी गाड़ी का ये क्या करेंगे? क्या गाड़ी मांग सकते हैं ये लोग? आप लोग खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या सही क्या गलत है। आज इनको हेल्प की ज़रूरत है जनता की। दो रोटी तो परमपिता परमात्मा ने इनको दी हैं, लेकिन ये पीड़ित है बीबी से, बीबी से परेशान है। आज इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, मुश्किल से 20-25 हज़ार इनकी सैलरी होगी। आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना जी? हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरे PWD हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जी। PWD में सैलरी कितने की होगी अंदाजा? सैलरी मेरी कटवट के मान लो 27 हज़ार रुपये होगी जी। उस 27 हज़ार में से यहाँ रेंट देंगे, वहाँ कोर्ट में के द्वारा जो खर्चा बन जाए अफोर्ड वो करेंगे, या रोटी खाएंगे, या आने जाने की सुविधा अपने किचन का यहाँ पुगाएंगे। तो कई बार हम अपने न्यायपालिका को गलत नहीं ठहरा सकते कभी भी, वो जो न्यायपालिका करती है हमेशा सही करती है। लेकिन आज इनका लेके हस्बैंड वाइफ को डिस्प्यूट को लेकर आप लोग खुद अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देना कि सही कौन है और गलत कौन है। आज टोटली इन्होंने अपना दुख आपकी एक बात शेयर किया है। हाँ जी बताओ जी। इस वीडियो को जितना भी किया जाए, भी लाइक करें, और इसको जितना भी फैलाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को देखने वाले मेरी सपोर्ट करें, और मैं इस वीडियो को जितना भी लाइक करेंगे उतना भी मेरे को धन्यवाद मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। और ऐसा और किसी भाई के साथ में ना हो, ऐसा किसी के भाई के साथ में नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, मैं दोषी हूँ ना, मेरे को फांसी तोड़ दो, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। तो जनता को बताएंगे कि मैं जाने का क्या पर्पज था, क्या चाहिए था? मैं हमारे भी समझ में नहीं आया भाई, हम शादी हमने इतनी धूमधाम से इतनी बढ़िया तरीके से करी थी भी। मैं हूँ ब्लाइंड, ठीक है भाई, मैंने उसको सब कुछ बोल दिया था भाई, तू जो भी करना चाहे मेरी तरफ से। आज रात के समय एक आदमी मीडिया आ गए, मीडिया तो एक माध्यम है, जनता के सामने अपनी विनती रख रहा है किसी और भाई के साथ में ना हो। और तो टोटली आपने वीडियो देखी है, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना, और सारे बहन भाइयों ने राम राम। बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।